नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय एडमिशन 2022-23। जितने भी स्टूडेंट यूजी या फिर पीजी या फिर प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यदि आपका मार्क्स कम है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के स्टूडेंट हैं, यदि आपका 60 से 70 या फिर 100 के अंदर यदि आपका मार्क्स आया है, तो आप किस प्रकार एडमिशन लेंगे, और यदि आप अफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए कौन सा कॉलेज सबसे बेस्ट रहेगा, आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। और यहां पर आप सभी को बता दें कि अफिलिएटेड कॉलेज में कहां तक कट ऑफ गिरने वाला है और मेन कैंपस का कहां तक कट ऑफ गिरेगा, इसके बारे में भी इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देंगे। तो यदि आप मेन कैंपस या अफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम मेन कैंपस की बात करते हैं। तो दोस्तों, सभी कोर्सों में जो हाईएस्ट कट ऑफ रहता है वो मेन कैंपस का रहता है, उसके बाद यहाँ पर आता है अफिलिएटेड कॉलेज का। यदि आपका हाई कट ऑफ जाने के बाद भी मेन कैंपस में आपका एडमिशन नहीं हो पाता है तो आप अफिलिएटेड कॉलेज देखते हैं। और अफिलिएटेड कॉलेज में आप सभी को बता दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बाद CMP डिग्री कॉलेज आता है जो अफिलिएटेड कॉलेज है, और ये भी अच्छा कॉलेज, सबसे अच्छा कॉलेज है, और यहाँ पर भी पढ़ाई अच्छी होती है। इसलिए आप यहाँ पर एडमिशन मिले तो आप ज़रूर एडमिशन ले लें, क्योंकि यह भी कॉलेज अच्छा है। अफिलिएटेड कॉलेज में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ CMP डिग्री कॉलेज का रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यह कॉलेज अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर आता है ईश्वरसरण डिग्री कॉलेज। यदि आपका CMP डिग्री कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है तो आप ईश्वरसरण डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, यह भी कॉलेज बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद आप इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप जनरल से हैं और आपका 60 से 70 अंक आया है तो आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है अफिलिएटेड कॉलेज में भी एडमिशन के लिए। आपको लास्ट कट ऑफ तक वेट करना होगा। अमूमन आप सभी को बता दें कि SC ST के जितने भी स्टूडेंट हैं, 95% आशा रहता है कि मेन कैंपस मिल जाए, नहीं तो जो है CMP डिग्री कॉलेज अफिलिएटेड कॉलेज में, किसी भी आप अफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है बहुत ही आसानी से। तो जितने भी स्टूडेंट SC ST के हैं उनको टेंशन नहीं लेना है, उनका एडमिशन हो जाएगा। रही बात जनरल और OBC, तो यहाँ पर अफिलिएटेड कॉलेज में OBC के लिए भी हो जाता है एडमिशन आसानी से, कट ऑफ नीचे गिरती है। यदि आप फिर भी कट ऑफ के दायरे में नहीं आते हैं और एडमिशन यहाँ पर सभी सीटें फुल हो जाती हैं और कट ऑफ भी आना बंद हो जाता है, तो ऐसे में आप इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, जो रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय है, वहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। कम से कम आपका एक साल बर्बाद तो नहीं होगा। ऐसे में आप सभी को जहाँ भी एडमिशन मिले वहाँ आप तुरंत एडमिशन ले लें। कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितने अंक पाए हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।